सो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों जी, हमारे एक क्यू एन ए वीडियो होने वाली, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे तो आज उनका मैं रिप्लाई करने वाला हूं, तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। तो अभी हम इस क्यू एन ए को करते हैं स्टार्ट। इन भाई का कमेंट ये, इनका नाम है गूगल एंड्रॉयड स्मार्ट, ये पूछते हैं सर मैंने यूट्यूब फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, प्लीज जरा देखें किस तरह बनाई है, एनी मिस्टेक थंबनेल टाइटल डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया है। तो इनके चैनल पर हम चलते हैं और चैनल के चेक करते हैं इनके चैनल क्या कहा है। इनके चैनल का नाम है गूगल एंड्रॉयड स्मार्ट। तो यहाँ पर आप इनकी वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 8 दिन पहले वीडियो आई है, 84 व्यूज़ आए हैं उनकी। मैं वीडियो मैंने देखी थी पहले, तो यहाँ पर मैं इन भाई से यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वो आपकी वीडियो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना उसको थोड़ा कम कर दें। मैंने आपको वीडियो देखी थी, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक कम कर दें, और एडिटिंग आपकी तो काफ़ी अच्छी एडिटिंग है, मैं मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और जो भी चाहिए ना वो काफ़ी परफेक्ट है आपके, जो लोगो थंबनेल टाइटल सब सही है। जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें कुछ मिस्टेक है, डिस्क्रिप्शन आपका ऐसा होना चाहिए, जो आपके जो टाइटल है ना वो टाइटल कॉपी करके पहले आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है, फिर जो आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो आपको लिखना है, फिर उसके नीचे कीवर्ड योर क्वेरीज लिख के उसके नीचे आपको कीवर्ड लिखने बहुत सारे 10-15 आपको कीवर्ड लिख देना है, फिर उसके बाद आपको हैशटैग लगाने हैं, फिर उसके बाद आपको सोशल मीडिया के लिंक अपने नीचे देने हैं, ऐसा आपको डिस्क्रिप्शन अपना लिखना है। पर इन्हें अपने सोशल मीडिया के यहाँ पर लिंक नहीं दिए हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक। यहाँ पर आपको अपने सोशल मीडिया के यहाँ पे लिंक जरूर देना है, चाहे भले आप एक सोशल मीडिया के लिंक दें वो आपको यहाँ पे देना जरूरी है। बाकी तो आपका चैनल काफ़ी अच्छा है और मेरी वीडियो आपकी जो वीडियो ना थे वो भी काफ़ी अच्छी हैं, और डिस्क्रिप्शन में ध्यान देना पड़ेगा, और सोशल मीडिया जो लिंक है ना वो आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है, और टाइटल टैग और थंबनेल काफ़ी अच्छे हैं, और डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस कर देना जो मैंने बताए आपको, और मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई, वो आप यहाँ पे या आई बटन में लगा दूँ या डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगी, आप यहाँ के चेक कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक 4 व्यू का टैब मिल जाता है, वो भी आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना और होम पेज पे आ जाना, वहाँ पे आप जाके चेक करना 4 व्यू का ऑप्शन आता है, वो आपको इनेबल कर लेना है। वो कैसे इनेबल करना है उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं दोनों वीडियो के लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो मेरे अनऑर्जिनल कंटेंट की जो वीडियो ना उस पर कमेंट आया है कि NV Media 7966 ये पूछते हैं मेरे न्यूज पोस्ट का पेज है वहाँ आया है, मैंने फिर बाद में कमेंट किया था इनके कि आप पूरी वीडियो देख लो बाद में हट जाएगा, फिर इनका कमेंट आता है पता ही नहीं चल रहा कौन से पोस्ट पर आया है अनऑर्जिनल कंटेंट। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से पोस्ट पर अनऑर्जिनल कंटेंट आता है। तो सबसे पहले आपको अपने फेसबुक का पेज ओपन कर लेना है। तो जैसे दोस्तों मैं अपने फेसबुक पेज पे आ चुका हूँ, किस पोस्ट पे आपके अनऑर्जिनल कंटेंट आया वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको पेज को नीचे कर लेना, नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट पे करना है क्लिक, फिर आपको आना है सपोर्ट इनबॉक्स पे करना है क्लिक, सपोर्ट इनबॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है योर अलर्ट वाले ऑप्शन पे। जितनी आप यहाँ पे वीडियो देख रही ना तो इन पे आपको अनऑर्जिनल कंटेंट आया है, और जो कॉपीराइट की जो समस्या होती है इन वीडियो पे आई हुई है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ये फेस की वीडियो, ये मेरी खुद की वीडियो है तब भी इस पे कॉपीराइट आया है, और ये आया कि मैं आपको पहले बताता हूँ, यहाँ से आपको ये डिलीट कैसे करनी वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ऐसे इसको हटा लेता हूँ यहाँ पर, मैं सारी वीडियो यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, है ना। यहाँ से डिटेल पर आपको करना है क्लिक, इस पर क्लिक करने में कंटिन्यू पर करना है क्लिक, कंटिन्यू कर देना हमको यहाँ से कंटिन्यू और रिमूव वीडियो कंटिन्यू और डिलीट वीडियो कर देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ क्लोज में मैं कर दूंगा। ऐसा आपको करने के बाद यहाँ पर आपको जितनी भी वीडियो है ना ये सब आपको यहाँ पे डिलीट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी खुद की वीडियो होते हुए भी यहाँ पर मेरा कॉपीराइट अनऑरिजिनल कंटेंट आ रहा है। इसकी वजह यह है कि जैसे आपने वीडियो बना के तैयार कर ली, सबसे पहले आप यूट्यूब पर अपलोड करते हो, फिर आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हो अपनी वीडियो, तो ये इसकी वजह से आता है। फिर आपको मैं सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ, बस आपको फेसबुक पे अपने लाइव आना पड़ेगा एक हफ्ते के लिए, बस खाली आपको 5-6 मिनट लाइव आना, फिर आपका ये अनऑरिजिनल कंटेंट वगैरह जो भी है ना वो आपका मतलब कि हट जाएगा इसी तरीके से। और जी वीडियो है ना ये ऐसी यहाँ पे रखी रहेंगे, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। और दूसरे भाई का जो कमेंट है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यहाँ पर। इन भाई का मेरा नाम थोड़ा पढ़ने नहीं आया, तो यहाँ पर इनका क्वेश्चन क्या वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। इनका नाम है ब्रो, इन स्ट्रीम एड्स सेट अप करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड कितनी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं भाई को बता दूँ 80+ होना चाहिए आपका। फिर दोबारा भाई नीचे कमेंट करके पूछते हमसे, तो ब्रो फिर हम किसकी आईडी लगाएं, हमारी एज तो 80 है नहीं, पैन कार्ड है और ना फिर फेसबुक पेज में 18+ एज नहीं है। तो यहाँ पर मैं भाई को बताना चाहूंगा, आपको अपने फेसबुक पेज में आना, फेसबुक पेज में जाने के बाद आपको वहाँ पे जो एज का ऑप्शन होता है वहाँ पर आपको अपनी एज 18 कर लेनी है, और जो आधार कार्ड पैन कार्ड है ना वो आपको अपने माता पिता का लगा देना है।
तो यहाँ मेरा दूसरा कमेंट का रिप्लाई मैंने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पर रोहित गुप्ता हमसे पूछते हैं, भाई मेरा फेसबुक पे प्रोफेशनल शो नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ से बैक करता हूँ, मैं दोबारा से फेसबुक पर आ चुका हूँ, यहाँ से मैं बैक करता हूँ। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको कहाँ से देखना है, मैं यहाँ पर आपको फेसबुक पर आ जाना है, ऐसे करके मैं यहाँ पर मेनू लिख रहा है, यहाँ पर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा है, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ऐसा आपको आना है। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट खींचकर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से फुल सपोर्ट करूँगा। फिर मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे मेरे दूसरे भाई पूछते हैं, इनका नाम है ओप भाई है ना, तो इनका नाम है ओप भाई, मेरे से पूछ रहे हैं, सर वीडियो डिलीट करूँ तो रीच और वॉच टाइम भी हट जाएगा क्या, प्लीज सर बताओ। यहाँ से मैं भाई से कहना चाहूँगा, ना आपका वॉच टाइम कम होगा ना आपके फॉलोअर कम होंगे, इससे आप कुछ भी कम नहीं होने वाला है। आप चाहे वीडियो डिलीट कर दो चाहे पोस्ट डिलीट कर दो, मतलब आपको जो वॉच टाइम वो बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। एक बार जो पूरा हो गया सो हो गया, वो बाद में डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने इनका भी रिप्लाई कर दिया है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। अगर आपको जो वीडियो अच्छे से वीडियो करते लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।